नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंद्री अनाज मंडी में मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पद को लेकर मंडी आढ़ती दो गुटों में बट गए। आपको बता दें कि प्रधान पद को लेकर चुनाव मार्च में होना था, लेकिन गुटबाजी के कारण सिरे नहीं चढ़ पाया। इसके पश्चात 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई, इसे चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई। कार्यकारिणी का प्रधान समय सिंह को बनाया गया। उस समय फैसला लिया गया था कि गेहूं का सीजन समाप्त होने के पश्चात चुनाव कराए जाएंगे। आज चुनाव के नामांकन भरने का अंतिम दिन था। 20 मई को चुनाव होना था, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 2 बजे तक नामांकन किया जाना था, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने ही नामांकन भरा था। इसी दौरान पूर्व प्रधान सतपाल बैरागी को कुछ आढ़तियों ने सर्वसम्मति के साथ प्रधान चुन लिया, जबकि दूसरी तरफ चुनाव कमेटी ने दूसरा कोई नामांकन न होने के कारण महेंद्र सिंह त्यागी को विजय घोषित कर दिया। चुनाव कमेटी के प्रधान समय सिंह ने बताया कि 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, 2 बजे तक नामांकन भरने का समय था। केवल एक व्यक्ति महेंद्र सिंह त्यागी ने ही नामांकन भरा था और दूसरा कोई भी व्यक्ति मैदान में नहीं आया, इसलिए कमेटी ने महेंद्र सिंह त्यागी को विजय घोषित कर दिया। अब वे 2 साल के लिए मंडी प्रधान के पद पर काबिज रहेंगे। पूर्व प्रधान हरपाल मंडार ने कहा कि एक व्यक्ति की ओर से ही नामांकन भरा गया था, इसीलिए उसे विजय घोषित किया गया है। नवनियुक्त प्रधान सतपाल बैरागी ने कहा कि मुझे सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। मंडी में 10 लाइनों में से एक एक व्यक्ति को चुनाव कमेटी में लिया गया था और पहले मीटिंग में सभी ने मुझ पर आस्था जताई थी, केवल प्रधान इस पक्ष में नहीं था। नवनियुक्त प्रधान महेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि नामांकन का आज अंतिम दिन था और चुनाव कमेटी अपना काम सुचारू रूप से कर रही थी, केवल मैंने ही नामांकन भरा था। 2 बजे तक मंडी से कोई और व्यक्ति नामांकन भरने के लिए नहीं आया। नियम के अनुसार मुझे मंडी एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मंडी की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव प्रक्रिया के लेकर आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था, सुबह 10 बजे से लेकर के और दोपहर बाद 2 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम था। इसमें मात्र केवल एक ही नामांकन आया है महेंद्र त्यागी जी को, और चुनाव कमेटी जो मंडी एसोसिएशन जनरल मीटिंग में घोषित की गई थी उस द्वारा महेंद्र त्यागी को प्रधान घोषित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री समय सिंह कंबोज शुरू से कर रहे थे। तो पहले भी कई बार डिले हुआ है उस चीज को लेकर के? पहले मार्च के लास्ट में मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें प्रधान पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, और उसी टाइम ही चुनाव प्रक्रिया के लिए 20 मई का टाइम रखा गया था, तो उसी टाइम ही ये नॉमिनेशन प्रक्रिया भी रखी गई थी, और उसी के तहत ही आज प्रधान सर्वसम्मति से मंडी एसोसिएशन द्वारा जो चुनाव कमेटी था उस द्वारा घोषित किया गया। तो आज मंडी में दो गुट भी बने हुए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? एक तरफ जहां कुछ लोग उनका अपना निजी विचार है, उसको लेकर हम भाईचारे को सर्वोपरि मानेंगे, वो भी हमारे भाई है, कोई ऐसी बात नहीं। कितने का आदमी है उस गुट में? दूसरे मैं गुट नहीं कह सकते, वो भी हमारे भाई है, उसमें जो उनको अपने निजी विचार है निजी ही तौर पे अपने दुकान में बैठ कर, मैं भी अपना दुकान पे बैठने का हकदार हूँ, सब अपने अपने भाई पे अपने निजी विचार से कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाईचारा सर्वोपरि है, सबसे पहले भाईचारों को ही महत्व दिया गया है। मंडी एसोसिएशन के चुनाव के अध्यक्ष हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे सर, क्या कहेंगे आज चुनाव था, क्या किस किसने नॉमिनेशन दिया था? हमारी चुनाव प्रक्रिया जो थी, काफी दिन से पहले हमने नोटिस निकाला हुआ था, मंडी के टाइम रखा हुआ था 10 तारीख को आज नॉमिनेशन आने थे, 12 को उठाने वाले थे और 20 मई का इलेक्शन डिक्लेयर किया हुआ था, तो इसमें उसी प्रक्रिया के अनुसार हम चल रहे थे, और पहले इससे पहले हमने कल परसों उससे पहले भी कई बार समझौते का पुरजोर मतलब हमने कोशिश की भाई किसी भी तरह से 10 आदमी इधर उधर से पकड़ के किसी भी तरह से मंडी में ऐसा कोई काम ना हो, भाई समझौते में ही हो जाए, इलेक्शन तक बात ना पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है, मैं तो किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच के अनुसार वो फैसला किसी भी कारण से सिरे नहीं चढ़ सका। उसके साथ ही हमने इलेक्शन प्रक्रिया भी जारी रखी, जो हमारे मतलब मेंबर थे इलेक्शन कमेटी के 10 मेंबर, उन्होंने भी मेरे को साइन करके सारा कुछ मतलब इलेक्शन प्रक्रिया का बोल रखा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, और एक चीज अगर आप देखना चाहते हो
तो उसमें कितने सदस्य हैं इलेक्शन? 10 तो सदस्य हैं, एक मैं हूँ अध्यक्ष। अच्छा, यानी कि 11 मेंबर हैं। 11 मेंबर, 11 मेंबरों ने आज किस पर सहमति जताई? 11 मेंबरों में जैसे आज 2 बजे तक का, 10 बजे से 2 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम था, तो हमारे पास केवल इसका महेंद्र त्यागी का ही नॉमिनेशन आया। हम इंतजार करते रहे, हमने 2:15 बजे तक भी इंतजार करी, चलो भाईचारा है, कोई बात नहीं, कोई लेट, लेकिन कोई मतलब नहीं आया। अब जब मतलब कैंडिडेट ये ही रह गया, तो आगे उठाने का वो चिंता कोई रह ही नहीं जाता, तो हमने सर्वसम्मति से, सभी मेंबरों ने सर्वसम्मति से महेंद्र त्यागी को प्रधान घोषित कर दिया, जो कानून के अनुसार, जो हमारी प्रोटोकॉल था उसी के अनुसार डिक्लेयर हुआ। कितने सदस्यों ने सहमति जताई है? मेरे पास 7 के तो मेरे पास साइन है, और 2 आने लग रहे हैं, वो बाहर थे। आज का तो कोई डिक्लेयर होने का चांस था ही नहीं भाई, चलो कभी कोई उठाएगा या कितनी एप्लीकेशन आएंगे वो भी आके साइन करने लग रहे हैं, तो मतलब 9 आदमी या 10 आदमी तो मतलब होंगे ही होंगे। तो आपने चयन जो है महेंद्र त्यागी को मंडी एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन कमेटी ने महेंद्र त्यागी को चयनित किया। ठीक है, धन्यवाद। मैं भी अपने पत्रकार भाइयों को, सभी को बहुत बधाई देता हूं, और जो मेरे आरती भाइयों ने मेरे को मान सम्मान दिया है, मैं भी इसका पूरी मेहनत और सच्चाई से और ईमानदारी से इसका निर्वाह करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, और सबके जो कार्य है वो निष्ठापूर्ण, हमने सच्ची आत्मा से सबका मतलब किसी के साथ भी कोई गलती होना हो उसका साथ देंगे और मंडी का कार्य कराएंगे। कोई रूपरेखा तैयार की है आगे कार्यों को लेकर के? हाँ, हमने कार्य की समस्या बोले, हमने पूरी रूपरेखा तैयार की है कि जिस भाई की भी कोई समस्या होगा, हमारी जो कार्यकारिणी निश्चित बनेगी उसमें हर भाई को, छोटे बड़े भाई को, पूरे सिस्टम के साथ जो है ना इस मंडी को लेके, ताकि किसी भी भाई को, छोटे या बड़े भाई को, कोई भी किस तरह का दिक्कत ना आए मंडी में, कोई बारदाने की या कहीं की या किस चीज़ की भी गाड़ियों में, उसमें जैसे पहले हुआ ऐसे नहीं होंगे। 2 गुट बने हैं उधर भी, ये सतपाल बरागी को दूसरे गुट ने बना दिया है, क्या कहें? गुट नहीं, देखो ये तो जो प्रक्रिया थी पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से चल रही है, क्योंकि पहले हमारी मीटिंग हुई है, यहाँ भी जनरल मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी उसमें दीवान पैलेस में जनरल मीटिंग हुई है, वहाँ पे भी यही प्रक्रिया थी, वहाँ पे बात लास्ट में इलेक्शन पे आके रुक गई थी, तो फिर हमारे जो भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद आते हैं हमारी मंडी के, उन्होंने डिसीजन लिया भी जो 20 में एक इलेक्शन कराएंगे ताकि हमारा गेहूँ का सीजन निपट जाए, तो गेहूँ का सीजन जैसे निपटा फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई है, तो प्रधान जी ने अपना जो प्रक्रिया शुरू कर दी है, अध्यक्ष मुद्दे जी ने उसी प्रक्रिया के तहत ही आज नामांकन, 10 तारीख का नामांकन रखा हुआ था, अभी कायदा उसकी आपको सारी चीज़ मिलेगी जो उस पर डाला हुआ है, आपके हमारा जो कच्चा एसोसिएशन है उस पर वो डाला हुआ है सब, इलेक्शन की प्रक्रिया भी आज नामांकन ले रहे थे, हमने नामांकन दाखिल किया, दूसरा कोई नामांकन नहीं आया, और मेरे को अध्यक्ष जी ने, पूरी कार्यकारिणी ने निर्विरोध इसमें चुन लिया गया। आप देख सकते हो कि मंडी के जितने भी आरती भाई हैं सारे आज यहाँ पर मौजूद हैं। अवधि कितनी है? अवधि 2 साल की, 2 साल के लिए आपको चुनाव का दो साल। ठीक है, अनाज मंडी का तो लाइव तस्वीर आपके समय, अभी अनाज मंडी से इलेक्शन था मंडी का, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज जो मंडी आरतियों ने मेरे को सर्वसम्मति से अपना प्रधान चुन लिया गया है ये नए सेशन के लिए, वैसे तो हमारा इलेक्शन मार्च में होना था, जो किसी कारणवश ये डिले हुआ, वही सीजन के बाद करेंगे, तो इसलिए आज मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया, और मैं जो भी मंडी की लिफ्टिंग की है, कोई बोली की है, कहीं कोई भी समस्या होगी, लाइट की है, उन समस्याओं का मैं पूरा हल करने का प्रयत्न करूंगा। मैंने पहले भी 1.5-2 साल पहले भी प्रधानी की है, तो हमने कभी दिक्कत नहीं आने दी, और अब भी मैं अपने सेवा भाव से काम करूंगा, मुझे ना मैं किसी के उसमें मतलब जेलसी में या उसमें ऐसी कोई मेरी हमारी भावना नहीं है, पूरा जो भी छोटा हो बड़ा हो समान रूप से अच्छी तरह काम करेंगे। अड़तियों की मांगों को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाई जाएगी? हाँ, जो भी मान लिया, कोई अगर कोई भी गलत, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसा मान लिया किसी को तंग करेगा या बेकसूर किसी आड़ती को करेगा, कोई ऐसा उसका समाधान किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, कोई वैसे परेशान करेगा किसी को, वो नहीं होगा। मंडी में 2 गुट बने हुए हैं, कि बता रहे हैं कि 20 तारीख को इलेक्शन होना था और आज नॉमिनेशन होना था, वो जो हमारा दूसरा गुट है उसका पता क्या, वो 10 मेंबर चुने गए थे मंडी से, जो लाइन वाइज 10 लाइनें हैं यहाँ पे, 10 में से 9 मेरे समर्थन में आ गए थे, जो कमेटी चुनी गई थी इलेक्शन के, 9 ने समर्थन कर दिया था, 9 के फिर 10वां भी मेरे साथ आ गया, वो जो अध्यक्षता कर रहा था वो गलत सोच से थी, तो उसने डिक्लेयर नहीं किया उस दिन,
भी जब वो मीटिंग हुई तो उसमें 2-2.5 घंटे उन्होंने 11 बजे बैठे थे, 3 बजे तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, मंशा गलत थी। जो मान लिया मंडी का अध्यक्ष चुना गया, भाई आप चुनाव आप सुचारू रूप से कराओ, उसकी मंशा गलत थी, उसको अंदर से जेलसी थी भाई, इसको तो बढ़ाना ही नहीं है प्रधान किसी भी तरीके से, तो उसकी उसकी मंशा की गलत वजह से ही 2 यूनियन का मंडी में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।